पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, चुनावी चर्चा लगातार चल रही है बिहार में और हम आपको बिहार के तमाम सीटों से जुड़ी जो भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आई है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, वो आपको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से जुड़ी ये खबर है। रोहिणी आचार्य की बड़ी जीत हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। चुनाव और वोटिंग से पहले ही रोहिणी आचार्य ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। रोहिणी आचार्य के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम हथकंडा अपनाए, रोहिणी आचार्य सबको तोड़कर जीत चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी लीगल टीम ने आपत्ति दर्ज कराई थी उनके एफिडेविट पर, और रोहिणी आचार्य के खिलाफ जो आपत्ति बीजेपी ने दर्ज कराए थे इसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर अपने आप में एक बड़ी जीत रोहिणी आचार्य के लिए है, क्योंकि अगर रोहिणी आचार्य के द्वारा दी गई एफिडेविट गलत पाई जाती है, जो आपत्ति था उसे सत्य पाया जाता, तो रोहिणी आचार्य के उम्मीदवारी पर खतरा था। लेकिन रोहिणी ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जिस तरीके से जनता से जुड़ाव जारी रखा है, एफिडेविट में किसी भी प्रकार की गलती नहीं पाई गई है। जो नॉमिनेशन के लिए पत्र उन्होंने भरा है, नामांकन पर्चा जो दाखिल किया गया है, उस पर जो भी ऑब्जेक्शन थे सारे ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने। बिहार के सारण लोकसभा सीट से बतौर राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य की एक तौर पर बड़ी जीत सारण में अभी ही हो चुकी है। देखिए, रोहिणी आचार्य सिंगापुर से बिहार लौटी हैं और लालू प्रसाद यादव की बेटी है, अपने पिता को अपना किडनी डोनेट कर जीवन दान दिया है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि हमने ना सिर्फ अपने पिता की जान बचाई है बल्कि हम तो अपने जान को लुटाने आए हैं, सारण की जनता के लिए हमारा जान भी कुर्बान रहेगा। रोहिणी आचार्य चुनावी अखाड़े में सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर है। सामने मुकाबला जो है वो राजीव प्रताप रूडी से है। रूडी हैट्रिक लगाने में लगे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कोशिश थी बीजेपी लीगल टीम की कि रोहिणी आचार्य जो एफिडेविट देंगी, जो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी, उसमें जो खामियां हैं उसे निकाला जाए और राजीव प्रताप रूडी को जीत दिला दी जाए, क्योंकि रूडी के राह में रोहिणी बड़ा रोड़ा बन गई है। और कहते हैं ना कि एक तरीके का एक राशि एक ना एक तरीके से एक क्षेत्र, और लालू प्रसाद की कर्मभूमि राजीव प्रताप रूडी के लिए एक बड़ी चुनौती रोहिणी आचार्य बन गई है। सारण में सारण की जनता जिस तरीके से रोहिणी आचार्य का साथ देते इस वक्त नजर आ रही है, रोहिणी आचार्य को मिली जीत के बाद हौसला और बढ़ गया होगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को इस बात का डर अगर नहीं था तो चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी लीगल टीम ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ आपत्ति दर्ज क्यों करा दी। आपत्ति दर्ज कराई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के आपत्ति पर पूरी तरीके से कागजातों की जांच की और सब कुछ का मिलान करने के बाद ये पाया कि जो आपत्ति है वो अस्वीकार योग्य है, यानी स्वीकार योग्य नहीं है, उसे खारिज कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने तमाम कागजात सही जमा किए हैं, तमाम जो बातें जिक्र की गई है सब कुछ वास्तविक है, कोई भी गलत नहीं है। तो एक तौर पर कहें तो रोहिणी आचार्य चुनाव से पहले एक बड़ी जीत सारण में हासिल कर चुकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।